क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर जितेन सिंह तो चलिए बेटा इवोल्यूशन की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो इवोल्यूशन में अब तक हमने क्या देखा अब तक हमने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करता है हमने देखा पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है उसके क्वेश्चंस को देखा हमने प्रजातियां कैसे बनती है एलोपेट्रिक स्पेशन क्या होता है सिंपेट्रिक प्रजातिकरण क्या होता है उसको देखा पैरापेट्रिक क्या होता है पेरीपेट्रिक क्या होता है उसको देखा हमने तो कई सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेमार्क के ऊपर हमने बात किया माल्थस के ऊपर हमने बात किया अटके वैलेस ने क्या काम किया उसको देखा हमने तो कई सारी आ, फैक्ट को कई सारे जो है वो इवोल्यूशन से जुड़े हुए फैक्ट को हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं इवोल्यूशन में जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सीट आपको दी जा रही है बेटा वे कई सारे ऐसे एमसीक्यू कवर करती है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं तो प्लीज डोंट मिस के तो इवोल्यूशन के अंदर

आपको कोई होमवर्क मिला था कि नहीं मिला था आपको होमवर्क मिला था तो आपने उसका क्या उत्तर निकाला तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या सही है चेक करते जाइए साथ में आप क्वेश्चन है पॉपुलेशन एट पार्क एक पार्क में गिलहरी की जनसंख्या की बात कर रहे हैं सिक्सटीन परसेंट शो फिनोटाइप मतलब ये क्या दे रखा मतलब है उसने आपसे स्मॉल टी स्मॉल टी मतलब क्यू स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है क्यू स्क्वायर दे रखा है याद है ना जो रेसिफिनोटाइप जो देख रखा मतलब क्यू स्क्वायर का वैल्यू रखा कितना दे रखा उसने 16 परसेंट दे रखा है 16 ऑब्लिक 100 मतलब क्यू स्क्वायर कितना है ये पॉइंट 16 है क्यू स्क्वायर ठीक है ना क्लियर है ना पॉइंट 16 है क्यू स्क्वायर तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया क्यू का वैल्यू आ गया 0.4 इज दी वैल्यू फॉर क्यू के क्यू का वैल्यू कितना, तो हाँ तो कितना आ गया 0.4 इज दी क्यू के तो अब पी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे उसने क्या पूछा है फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील मतलब पी का वैल्यू पूछा है पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 तो पी का वैल्यू कितना आ गया 1 0.4 0.6 इज दी पी कहां है आंसर्स में आंसर आ गया आपका ठीक है क्लियर सिंपल सा है बेटा देखो अब मैं हमेशा कहता हूं हार्डी के क्वेश्चन सॉल्व करते में, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है ये इंपॉर्टेंट चीज क्यू स्क्वायर मतलब रस्से फीनोटाइप दे रखा था उसने क्यू स्क्वायर दे रखा था जो 16 परसेंट था पॉइंट वन सिक्स था क्यू निकाला पॉइंट फोर आया क्यू निकाल लिया तो पी मिल जाएगा पॉइंट सिक्स दी पी ठीक है दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का

0.4 कितना हो गया बेटा ये ये आपका हो गया 0.48 दिस इज द आंसर 0.48 इज द आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था है ना बेटा बस जो नीट में पेपर आएगा नीट में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसी लेवल का आएगा ठीक और 90% परसेंट वो आपसे हेट्रो एक एलएल का फ्रीक्वेंसी देख के आपसे हेट्रोजाइगोट के बारे में पूछेंगे ठीक है ना 90% वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है चलिए अब आज का क्वेश्चन आपको ये दो इमेज ए और बी ध्यान से देखिए और बताइए किस तरह का प्रजातिकरण ये शो करती है इमेज ए को ध्यान से देखिए बी को ध्यान से देखिए और बताइए किस प्रकार का प्रजातीकरण यहां पर दिखाया गया है तो ए किस तरह का स्पेशन है बी किस तरह का स्पेशन है यह आपको बतलाना है ठीक है ए किस तरह का प्रजातीकरण है ये बतलाएंगे बी किस तरह का प्रजातीकरण है ये बतलाएंगे ठीक है चलिए अब ये तो आज का क्वेश्चन हो गया आगे बढ़ते हैं अब हम जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिखसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें बेटा तो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तीन तरह के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं एक हम देख चुके हैं नेचुरल सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर लेमार्किज्म के बारे में बात किया हमने और म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो ह्यूगोडिब्रिज उसके बारे में बात किया साल्टेशन वर्ड इस्तेमाल किया था हमने लार्ज लॉर्ज जो म्यूटेशन होते हैं उनको हमने साल्टेशन कहा था उसको भी देखा हमने ठीक है ना हमने फिर माल्थस के पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात किया हमने फिर हमने क्या देखा हमने देखा इसके अलावा जो है हार्डी हार्डीबर को देखा हमने ठीक है हमने फाउंडर इफेक्ट को देखा हमने बोटल नेक नेक इवेंट को देखा हमने हमने देखा किस प्रकार से जो है फाउंडर इफेक्ट काम करता है उसको देखा हमने तो कई सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम फाइनली कहां पहुंचे अब हम बात कर रहे हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है उसका टाइम स्केल क्या रहा है थाके? तो हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना ठीक है हालांकि परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में अपलोड हो चुका है आपका टाइम इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर आपको याद रखना भूलना नहीं इंपॉर्टेंट हिस्सा बिटाई ठीक है चलिए तो देखो कहने का मतलब यह है कि बेटा जीवन की जो उत्पत्ति है वह हम क्या हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं लाइफ ऑन अर्थ के हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कई सारे एरा दिखाई पड़ रहे हैं एक होता है ए जॉइक एरा जब कोई लाइफ था ही नहीं उसे हम ए जॉइक एरा कहते हैं फिर प्री एरा दिखाई पड़ रहा है हमें एरा दिखाई दे रहा है इस इमेज में एरा दिखाई पड़ रहा है देन सीनोजॉइक एरा दिखाई पड़ रहा है देख रहे हैं आपके मीजोइक एरा में आपको जो है डायना दिखाई पड़ रहे हैं सीनोजॉइक में आपको मैमल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको पहली जोइक में आप देख रहे हो आपको जो है कुछ इनिशियल मछली और इनिशियल आपको जो है वो आर्थोप्रोड आपको दिखाई पड़ रहा है

इवोल्यूशन के पूरे टाइम फ्रेम को हम 12 घंटे में डिवाइड कर लें सुनिए ऐसा समझ ले चलिए इसको हम अलग तरीके से समझते हैं आप एक मूवी देखने गए आपने कहा कि भैया सलमान खान का एक मूवी आया है हमको सलमान खान का मूवी देखने जाना है आप में से कई लोगों को सलमान खान पसंद होगा कई को पसंद नहीं भी होगा चलो रजनीकांत का मूवी मान लेते हैं है ना कि चलो रजनीकांत का मूवी देखने गए ठीक है सलमान खान रजनीकांत सब सुपर है सारे तो अब हमने क्या देखा हमने मूवी देखा कि पोस्टर लगा कि अरे रजनीकांत का मूवी है चलो चलते हैं देखने के लिए वो तो कुछ भी कर सकता है तीन घंटे के मूवी में रजनीकांत कब का आया दो घंटा उनसठ मिनट पे टू आवर्स एंड फिफ्टी नाइन मिनट उसके बाद रजनीकांत दिखाई दे बाय अच्छा हुआ तुम तो मेरे नाम पे आ गए खत्म मूवी हदे ये तो दो घंटा उनसठ मिनट हम देख सोचते कि अब आएगा अब आएगा हीरो अब आएगा अब आएगा अब आएगा कब आया वो वो कब आया लास्ट मिनट में आया ऐसे ही पृथ्वी पर जो है वो कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका हीरो अब आप हीरो ही बोलेगा आदमी अपने आप को हम क्यों अपने आप को विलेन बोल दे भले ही काम सारे विलेन के करते हो हम पर हैं तो हीरो अर्थ को समझ रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं परिवर्तन कर रहे हैं मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं चांद का चक्कर काट के आ गए चांद पर उतर कर आ गए हम तो हीरो तो हैं हम इसमें कोई नहीं है कि आप कुछ भी बोले इंसान हीरो तो है क्योंकि तो उसने जो किया वो पहले के कोई जी मैंने कभी सुना कि कोई भालुओं का एक ग्रुप था उन्होंने डिसाइड किया कि ओ माई गॉड आई जस्ट वी जस्ट वॉन्ट टू गो टू मून कि भालू के ग्रुप में डिसाइड oh, कर, करके पेड़ पर चढ़ तो पहुंच गए नहीं ना सारा कुछ कौन कर रहा है इंसान कर रहा है दिमाग इसलिए अच्छा भी कर रहा है बुरा भी कर रहा है डिस्ट्रक्टिव कॉन्स्ट्रक्टिव सब चीजें हो रही हैं, लेकिन है तो हीरो, पर हीरो कब अस्तित्व में आता है यदि पूरा आप इवोल्यूशन का पूरा टाइम स्केल आप बारह घंटे में बांट लें सबसे आखिरी पूरे एक घंटे एक घंटे में बांट लें एक घंटे की बात बांट ले आपके आप पाएंगे सबसे आखिरी मिनट में सबसे आखिरी मिनट में पूरा मैंने कहा ना पूरा एक घंटा पूरा एक घंटे पूरे सबसे आखिरी मिनट में आदमी तस्वीर में आएगा सामने के या ऐसे बोले इसको यदि इवोल्यूशन एक, एक पेज की पुस्तक हो यदि इवोल्यूशन इवोल्यूशन इफ इज बुक ऑफ वन थाउजेंड पेजेस तो फर्स्ट रिफरेंस ह्यूमन विंग का मनुष्य का पहली बार जिक्र होगा आखिरी पेज के आखिरी पैराग्राफ में आखिरी पेज के आखिरी पैराग्राफ में इतने नए हैं हम इतने है ठीक है ना चलिए अब देखते हैं एनसीआरटी क्या कहती है मेरी कहा मेरी बातों को एनसीआरटी सपोर्ट करती है कि नहीं करती है उस पर भी बात कर लेते चलिए हम ठीक ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन अब देखो बेटा यहां पर ध्यान रखना जो एनसीआरटी में आंकड़े जो, जो भी डेटा एनसीआरटी में दे रखा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वो आपको नहीं भूलना है क्योंकि एग्जाम में नाइनटी नाइन परसेंट क्वेश्चन जो है इसी डेटाबेस पर आएगा नाइनटी नाइन परसेंट ठीक है ना प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जिपमर का एग्जाम था तो पहले थोड़ा क्वेश्चन वेराइटी क्वेश्चन आता था एम्स में लेकिन अभी हमको बिल्कुल फोकस करना है बेटा है ना कोई कोई चूक नहीं करना है यहां पर अबाउट टू हंड्रेड मिलियन ईयर एगो दर्ट सोलर फॉर ऑफ लाइफ एप ऑन दर्थ पहला डेटा ठीक है मतलब पहली बार हमारी धरती पर कोशिका के समान स्ट्रक्चर सेल के समान स्ट्रक्चर बना था 200 मिलियन मिलियन ईयर मतलब दो बिलियन वर्ष के तो इसको तकर कई बार कंफ्यूज आते तो मैंने कहा तकरीबन दो बिलियन वर्ष पहले जो है वो पहली बार फर्स्ट फॉर्म तो ये पहला डेटा है दिमाग जो इन दे रखे ना मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सोलर एग्रीगेट्स Of giant macromolecules could evolve into cells with membranes enveloped is not known विथ देखिए यहां पर क्या हुआ था यहां पर हुआ था कोई सर्वेट्स बने ठीक है प्रोटोबायोन्स बने प्रोटोबायोन्स बने देन प्रो कैरियोटिक सेल्स बने

और जो एनोरबिक शुरू में बने थे वो थे बैक्टीरिया वो थे बैक्टीरिया बैक्टीरिया ठीक है फिर से विकास आगे की तरफ बढ़ा और कुछ बन गए बेटा कुछ ब्लू बने यहां पर जो जो भी थे ऑक्सीजन को रिलीज भी करते थे तो हमने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑक्सीजन रिलीविंग ऑर्गेन फर्स्ट ऑर्गे जिन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया मुक्त किया पृथ्वी पर वो थे ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो थे ठीक है क्लियर और पहली बार जो जीव बने थे अर्थ पर वो थे थे क्या थे? बेटा वो, कीमो थे वो उसके बाद बाद में बने ठीक है आगे बढ़ते हैं सोलर एनर्जी कैप्चर्ड एंड बाय द एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट देखो पहली बार अब इस अर्थ पर देखो जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं इस अर्थ पर फर्स्ट टाइम

तो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन बढ़ने लगी ठीक है तो यहां पर वैरायटी बनता है तो के यदि आप न्यूट्रिशनल लेवल पर इवोल्यूशन की बात करें आप यदि आप पोषक स्तर पर इवोल्यूशन की बात करें तो आप पाएंगे सबसे पहले इवॉल्व हुए थे ठीक है क्योंकि वो समुद्र के अंदर के, के केमिकल यूज करते थे जो कोई सर्वेट्स था यदि को आप बोलो तो कोई ने अपना फूड खुद नहीं बनाया उसने बाहर से मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ला ला के जोड़ा उसने के पहले हेड्रोट्रॉफ इवॉल्व किए और उसके बाद जो है वो आटोट्रॉफ इसके बाद इवॉल्व हुए ठीक है ये सच्चाई है अर्थ के इवोल्यूशन की ठीक है तो क्या देखा मैंने आपसे कहा कि तकरीबन जो है वो आ, यदि हम जो है बात करें यहाँ पे तो हमारी अर्थ पर जो है अर्थ बनने के अर्थ बनने के काफी समय के बाद अर्थ बनने के के काफी समय के बाद हम ऐसा मानते हैं तकरीबन जो है वो छः सौ मिलियन वर्षों के बाद में पहली बार मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट बनना शुरू हुए और तकरीबन जो है वो दो बिलियन वर्ष के वर्ष पहले जो है हमको जो है वो सेल के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म को देखने में ली तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर यदि हम बात करें यहाँ पे तो हम हम क्या पाते हैं हम पाते हैं कि असल में जो जो है हम देखें यहाँ पे तो हम क्या पाते हैं हम पाते हैं कि जो है वो लगातार किस प्रकार से क्रिमिक लेवल पर धीमे धीमे विकास होता चला गया है तो अभी हमें जो टाइम स्केल याद रखना है देखो बेटा यदि आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल अलग अलग बुक में पढ़ेंगे आप डॉब जॉन्स्की की बुक में पढ़ेंगे आप कैंपवेल में पढ़ेंगे आप ठीक है रमेश गुप्ता जुलोजी में पढ़ेंगे आप विलीस की बुक में पढ़ेंगे आप ठीक है जितने भी अच्छे अच्छे ऑथर बुक पढ़ेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने मिलेगा उसके पीछे कारण ये है कि कोई भी एग्जैक्टली exactly टाइम स्केल को नहीं जानता है और सब अलग अलग रेफरेंस सोर्सेस को यूज करते हैं लेकिन हमें हमेशा एनसीआरटी का ही टाइम स्केल याद रखना है इसलिए बाकी से कंफ्यूज मत करना ठीक है ठीक चलिए तो हमने क्या कहा अभी हमको जो मोटा मोटी जो पॉइंट याद रखना मैंने कहा ना जो डाटा एनसीआईटी में रखा वो प्रायोरिटी हमारी वो क्या हुआ हमारी प्रायोरिटी रेट हट क्या उसके बाद बाकी उसके अलावा कुछ पूछते हैं तो फिर जो डाटा हमारे पास है वो यूज करना तो जो मैं डाटा फोकस कर रहा हूं बोल रहा हूं उसको दिमाग में रखिएगा आप ठीक है देखो बेटा अब यदि हम बात करें एरा, एरा वाइज बात करें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अलग अलग एरा जो है और जुरासिक एरा जो एज है वो म्यूज एरा अंदर था यहाँ पर डायनासोर राज करते थे ठीक है ना देखिए अब बिल्कुल मैंने कहा ना कि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको एनसीआर का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रहना चाहिए हमको ठीक है स्लोली

mya में a का मतलब है एगो ठीक है मिलियन इयर्स एगो ठीक है ना तो बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन इयर्स एगो इनवर्टिब्रेट वेयर फॉर्म एंड एक्टिव देखो अब ये दूसरा निपटाया सामने ठीक है बिल्कुल एन्सेटेरेट बिल्कुल नहीं भूलना के मतलब तकरीबन आज से 500 मिलियन वर्ष पहले इनवर्टिब्रेट्स का जो है विकास हुआ और वो अगो धरती पर सक्रिय थे के और पहली जॉलेस फिश ठीक है इग्न था साइक्लोस्टोमेटा एनिमल किंगडम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पढ़ा ना हटके था जबड़ा नहीं था उनके अंदर के साइक्लोस्टोमेटा जो वो माउथ था उनका राउंडेड उनकाउंडेड के तो ये जॉलेस फिश का वो इवॉल्व okay, किए ये तीसरा आपका डेटा हमारे पास है वो 350 मिलियन ईयर घटके तीन सौ पचास मिलियन वर्ष पहले जो है वो जॉलेस फिश जो है वो इवॉल्व किए ठीक है फिर सी समुद्री खरपतवार एंड फ्यू प्लांट्स Existence probably around 320 चौथा के के मतलब मतलब समुद्र के अंदर मिलने वाले सीवीड, मतलब कई ऐसी एल्गी जो बड़े में होती है जिनको हम बोलते हैं हम सीवीड कहते हैं जिनको हम के सीवीड, कहते सीवीड क्या होते हैं ब्राउन एलगी होते हैं बड़े बड़े फ्यूकस ये बड़े बड़े मैक्रोसिस्टिस हुए तो ये जो सीवीड है वो इसके अलावा कई सारे प्लांट जो है उस समय जो है वो आ, कुछ प्ला, प्लांट जो है वो उस समय तीन मिलियन वर्ष पहले जो है उनका उदय हुआ ठीक है फर्स्ट और इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऐसा कहा जाता है बार के पहली बार कोई लाइफ का फॉर्म अभी तक लाइफ कहां थी अभी तक लाइफ थी वो समुद्र के अंदर प्रिमेटिव ओशन समुद्र के अंदर जीवन था पहली बार कोई समुद्र से निकलकर जमीन पर आया एम्फीविया नहीं थे पहले बेटा प्लांट आए एनिमल बाद में आए एनिमल तो उनसे अधिक एडवांस प्लांट पहले बने हैं उसके बाद एनिमल के। तो याद रखो, कहीं पर भी पहले प्लांट पहुंचते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिज धरती पर आए थे पानी से वो लैंड प्लांट जो लैंड ऑर्गेनिज वो थे प्लांट ठीक है देवेर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड एनिमल लैंड के मतलब जानवरों के एनिमल्स अब पहली बार पहली बार कौन से एनिमल जमीन पर आए थे वो आए थे ठीक है लेकिन जब एम्फीविया जमीन पर आए उसके पहले प्लांट पूरी धरती पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे पहुंच चुके थे उठ के मतलब वाइड स्प्रेड हो चुके जमीन पर बड़े पैमाने पर प्लांट फैल चुके थे तब एनिमल जो है वो वॉटर से निकलकर जमीन पर आए थे याद रखिएगा ठीक है देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये शुरुआत है ना शुरुआत में सीधा देखो क्या था उसमें भी आपको एक, एक, एक इंटरेस्टिंग कहानी यहां पे भी छिपी है फर्स्ट, फर्स्ट एनिमल है जो वाटर से लैंड पर आए थे पर एक्चुअली में ऐसा था कुछ ऐसी मछलियां थी कुछ ऐसी मछलियां थी जिन मछलियों में इस तरह की क्षमता थी कि वो कुछ समय तक जमीन पर रह पाती थी उनके पास जो भी गिल्स थे उनमें गिल में इतनी एयर भरी थी इतना ऑक्सीजन था कि वो कुछ समय तक सर्वाइव कर लेती थी उनके जो फिन थे फिन इस प्रकार के थे कि वो जमीन पर थोड़ा चल भी लेती थी वो बस ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि यही वो ऑर्गेनिस्ट थे जिन्होंने धीमे धीमे एम्फीविया की दिशा में विकास किया जिन्होंने धीमे धीमे एमफीविया की दिशा में विकास किया ठीक है तो प्रीमेटिव जो फॉसिल्स मिलते हैं वो बताते हैं हमको कि कुछ जीव ऐसे पाए गए हैं जो हम जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये उस तरह की थी, उस तरह तरह की के थे जो धरती पर जिन्होंने जीवन की शुरुआत करने के लिए शुरुआत में आके कि बाहर क्या है? उसके अकॉर्डिंग अपने आपको अडॉप्ट भी किया दिखाई है ऑस्ट्रोकोडर ऑस्ट्रोकोडर्मी ऑस्ट्रिकोडरमे ऑस्ट्रोकोडर्म कहते हैं इनको हम ठीक है बेटा है ना ऑस्ट्रकोडा इस शुरुआती और, और जो जमीन पर आए थे ठीक है देखिए अब बड़े ध्यान देखिए कैसे एम्फीबिया का विकास हुआ किस प्रकार से विकास इनका हुआ हुआ, हुआ? के क्या देख रहे हैं देखिए एक फिश को देखिए आप फिश समय गुजरता जा रहा है दिस इज द टाइम दिस इज द टाइम हम कह रहे हैं ये समय आगे बढ़ता चला जा रहा चला जा रहा ठीक है ना क्या देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा है साफ साफ के देखें तो साफ-साफ को दिखाई पड़ रहा है एक के बाद के। आपको वो दिखाई है के के हुए उसके फिर फिन के सामने जो है इस्तेमाल किया उसने फिर वो लिम्स में कन्वर्ट हो गए ठीक है और इस सबके प्रमाण कहां से मिलते हैं इसके प्रमाण मिलते हैं हमको किससे से हमको प्रमाण मिलते ठीक है फिश विद इट्स स्टॉक एंड स्ट्रांग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर देखिए 350 मिलियन वर्ष पहले कुछ ऐसी मछलियां थी जो जमीन पर आती थी थोड़े समय रुकती थी फिर पानी में वापस चली जाती थी यही वो जीव थे जिन्होंने जिनसे जिनसे एम्फीबिया का विकास हुआ जिनसे एम्फीबियंस जो है वो डेवलप किए अपने आप को और ऐसा ये मछलियां इसलिए कर पाती थी कि इनके जो गिल्स थे ना उनमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बन चुका था कुछ लेवल तक ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहा करती थी उसमें ठीक है जिससे वो सस्टेन कर रहे थे जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हुआ ये वापस पानी में जाया करते थे 1938 में 1938 में एनसीआरटी का पॉइंट के ए फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका 1938 में एक मछली को दक्षिणी अफ्रीका में पकड़ा गया जिसको कहा गया कॉलाकेंथ के, कहा गया ठीक है कॉलाकेंथ कहा गया जिसको मान लिया गया था कि ये एक्सटिंक्टेड के पर वो मिली वैज्ञानिक मानते थे कि कॉलाकेंथ नहीं है अस्तित्व में नहीं है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है पर वो 1938 में हमको वो मिली थी साउथ अफ्रीका में ठीक ऐसा मानते हैं दिस एनिमल्स कॉल्ड लॉब के इनको इन एनिमल्स को हम लॉब कहते हैं इवॉल्व इन टू फर्स्ट एम्फीविया इनसे पहले एम्फीविया का विकास हुआ था और ये जो 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 एम्फीविया थे वो लैंड में और वॉटर दोनों में रहा करते थे ठीक है मतलब मतलब यह है कि सारी कहानी ऐसे शुरू होती है कि फिश ठीक है लोफिन फिश देन एम्फीविया ठीक है कहानी में हमको मालूम चलता है कि कुछ ऐसी मछलियां थी जमीन पर जो आ जाया करती थी कुछ समय रहा करती थी फिर पानी में लौट जाया करती थी तो इससे एनिमल्स को टेरेस्टल एक्सपोजर मिला कुछ ऐसे कैक्टर्स उन्होंने डेवलप किया कि लैंड पर वो अधिक और समय और अधिक रह सके थोड़ा और अधिक रह सके ऐसे करते करते एम्फीविया का विकास हो गया देखिए दीज आर दि फिश के ये कॉला थे देखिए पानी से बाहर आया लैंड पे कुछ समय रह सकता है ठीक है जब जब, जब, जब लगेगा ऐसे वापस पानी के अंदर ये पहुंच जाएगा के? ये वही फिश है जिसको पकड़ा गया था साउथ अफ्रीका मान चुके थे ये वही फिश है एग्जैक्टली उसी का रियल फोटोग्राफ है ठीक है ना एम्फीविया फर्स्ट एप अबाउट 370 मिलियन ईयर एगो प्रॉबलीवाल फ्रॉम लो फिश कम ऑनलाइन टू क्रॉल फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है यह मछलियां इतनी इवॉल्व हो चुकी थी लोअम धीमे आस पास में पहले क्या था पहले पानी काफी अधिक गिरा करता था जमीन पर पानी के कई सारे झील बन रहा करते थे तो ये एक झील से दूसरी झील में जैसे क्राउडिंग हुआ तो उसकी झील में शिफ्ट कर जाया करती थी वो देखिये लॉर्ड फिंडिश को देख रहे हो आप उससे अर्ली एम्पीविया बना उससे फिर प्री हिस्टोरिक एम्पीवियंस बने एक थीजा और वहां से फिर फ्रॉग और यानी आज आप जो फ्रॉग देखते हैं सेलामेंडर देखते हैं ना ये लेटेस्ट एम्फीबिया है इनके पहले के एम्फीबिया जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं फॉसिल बन चुके हैं वो ठीक है तो इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबियंस एंड लॉर्ड फिशेस शेयर मेनी एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो एक तो क्या एक, एक लाइन जो थी वो आगे चल के उन्होंने क्या रेप्टाइल्स का विकास किया और दूसरी वाले लाइन ने जो है वो मॉडर्न एम्फीबिया का विकास किया आप बोलोगे सर सारे मेंढक सांप क्यों नहीं बन जाते अरे भाई एए, क्या हुआ था बेटा फिश थी सुनो फिश थी है ना फिश से एक एक लाइन गया नॉर्मल फिश बन रही बनी इवॉल्व होती रही वो दूसरी तरफ लॉब फिन बन गई फिश बन गई लॉब फिन ने क्या बनाया उसने बनाया इन फिश ने क्या बनाया मॉडर्न फिश खत्म नहीं हुआ ये रहा एम्फीबिया से क्या हुआ दो दिशाओं में विकास गया एक बन गए रैप्टाइस दूसरे बन गए मॉडर्न एम्फीबिया मॉडर्न एम्फीबिया है ना तो ऐसा चल रहा है लगातार बेटा पुरानी ब्रांच खत्म नहीं होती है नए जीव बनने लगते साथ मिनट के क्या लिखा देखो तकरीबन 300 मिलियन वर्ष पहले एम्फीबिया दो दो इन्वॉल लाइन में बैठ गए एक लाइन रैप्टाइस को बनाने में एक, बनाने लगी और उस है वो मॉडर्न एम्फीबिया बने फ्रॉग और सेलामेंडर बने ठीक है देखिए इस कहानी को हम इमेज के जरिए समझते हैं हम और बिल्कुल स्टोरी है बेटा दिमाग में रखने की कोशिश करना है इसको कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट था ठीक है ट्रांसफर पीरियड आया कुछ मछलियां जो है पानी से जमीन पर निकल के सामने आई और उनसे एम्फीबिया का विकास हुआ और यही सच्चाई है और इसके प्रमाण हमको बाकायदा मिलते हैं ठीक है तो हम कहते हैं एम्फीबिया का अर्लिएस्ट नॉन फॉसिल क्या है इक्टेजा याद रखना एग्जाम का क्वेश्चन है इक्टेजा अर्लीस्ट नोन फॉसिल के इसमें चार स्ट्रॉन्ग लिम दिखाई पड़ते हैं इसमें जो कि पैक्ट्रल और पैल्विक फिन के होमोलोग होते हैं प्रीमिटिव टाइप ऑफ लंग होते हैं इसकी जो बॉडी थी वो फिश के समान बॉडी थी इसके के और इसमें जो है वो बकायदा इसमें सेंस ऑर्गन जमीन जमीन पर रहने के सेंस ऑर्गन इसमें इवॉल्व हुए थे और इसके लार्ज और शार्प टीथ भी थे इसके पास में <laughs> Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. big in size. There are no specimen of

द एम्फीबियस इवॉल्व इंटू रेप्टाइल तो मैंने कहा ना बेटा आपसे कि एम्फीबिया जो है समझिए बात को एम्फीबिया जो है इनसे विकास दो दिशाओं में गया एक तो क्या हुआ बेटा एक तो ये बन गए मॉडर्न एम्फीबिया एक तो ये बन गए मॉडर्न एम्फीबिया बन गए ठीक है और एक इनसे क्या इवॉल्व किए इनसे रेप्टाइल्स इनसे जो है वो इवॉल्व किए ठीक है मतलब यही है ब्रांचिंग डिसेंट इंटरेस्टिंग बात है एम्फीबिया जब इवॉल्व हुए तो एम्फीबिया के ने जो है एक बात सीखी पता चला उसे एम्फीबिया को वाटर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था अपने रिप्रोडक्शन के लिए क्योंकि इनके अंडों में बाहर थिक कवर नहीं होता है इनके अंडों में बाहर जेली होती है और यदि जैसे ही वो अपने जमीन पर अंडे दिया करते थे तो जमीन पर जो अंडे थे जो जो, लैंड जो में एग्स थे वो सूख जाया करते थे तो एम्फीबिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे तो दे आर डिपेंडेंट इन ऑन वाट, वाटर बॉडीज मतलब एम्फीबिया का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों था कोई पूछता आपसे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्फीबिया इज लिमिटेड बिकॉज दे कैन नॉट मूव सो फॉर फ्रॉम बॉडी बॉडी से बहुत अधिक दूर नहीं जा पा रहे थे वो क्योंकि उनके एग सूख जाया करते थे

एक कहा उसको हमने क्यों बनाया इसलिए बनाया ताकि जो है वो अंडे की जेली सूख ना जाए अंदर क्या भर दिया अंदर उसमें जेली भर दिया और क्या क्या और उसके अंदर जो है ऐसा ऐसे आ, जो है वो मेम्रेन इस तरह का स्ट्रक्चर कर दिया कि अंदर पूरा एनवायरमेंट मिले वाटर वाला एमनोटिक एग बनने लगे पूरा सब एनवायरमेंट वैसा मिले कि भाई वो जो जो, जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसको एक्वाटिक एनवायरमेंट एक के अंदर मिल जाए तो वाटर की डिपेंडेंसी खत्म हो गई एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में बच्चा बाहर निकल आएगा सर्वाइव करने की कंडीशन में होगा वो देखिए देलेक्थिक एम्फीबिया इवॉल्व रेप्टाइज देलेक्थिक सेल एक विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज इन देले देले थिक सेल एक विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबिया अब देखो एक लाइन में एनसेट लिखा कि देखो भैया ऐसा है एम्फीबिया से रेप्टाइल का विकास हुआ और रेप्टाइल जो, जो अंडे दिया करते थे उनमें मोटा आवरण थिक शेल्ड मोटा कवच हुआ करता था जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता था और उनके अंडे एम्फीबिया के अंडे सनलाइट में सूख जाया करते थे इनके अंडे नहीं सूखते थे, थे इसलिए जीवन बचा रहता था दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहते हैं दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल एडोप्टेशन ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल एडोप्टेशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल एडोप्टेशन ठीक है जो जो हमने कहा आपसे रेप्टाइल्स हैं रेप्टाइल्स ने ऐसे एक दिए जिनमें मोटा कवच था आवरण था तो इस जिसके कारण वो सनलाइट में सन सूर्य के प्रकाश में सनलाइट में सूखते नहीं थे वो और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल एडोप्टेशन था जिंदा रहने के लिए ठीक है

प्रथम स्थली जंतु थे एम्फीबिया लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल थे रेप्टीलिया क्योंकि रेप्टाइज जो है वो अलग अलग हिस्सों में पहुंचे क्योंकि उनको 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 वाटर की डिपेंडेंसी नहीं थी इसलिए तो आज भी रेप्टाइज आपको रेगिस्तान में भी देखने मिलते हैं डेजर्ट में भी देखने मिलते हैं आपको ठीक है देखिए अर्ली एम्फीबिया देन उसके बाद स्टेम रेप्टाइज बने ठीक है जिससे डिफरेंट टाइप के रेप्टाइल्स का विकास हुआ के भी कई मैंने कहा ना ब्रांचिंग था है। से में कुछ विकसित हुए और का ही एक रिलेटिव हम कहते हैं वो है होता है होता है होता ठीक फिर हमने सांप बने छिपकलियां बने, बनी उससे ठीक और जो है रेप्टाइल से जैव विकास रेप्टाइल से जैव विकास दो दिशाओं में गया रेप्टाइल से विकास दो दिशाओं रैप, के रैप्ट बल्कि ऐसा बोलना चाहिए रैप्टाइल से तीन ब्रांच निकली हमें हमें बोलाइज से तीन ब्रांच निकली जो थे इससे, एक, बने नंबर तीन मैमल्स बने तो हमारा पूर्वज भी रेपटाइज है और पक्षियों का पूर्वज भी रेप्टाइस है ठीक है तो रेप्टाइस से एक मॉडर्न रेप्टाइज बने बेटा ठीक है जिनको हमने क्या जिनको हमने ये, इस, ये आ आपके। फिर वर्ड्स बने गए पक्षी बने और बने? बने। मतलब जो स्टेम रेपटाइल है वहां से विकास तीन दिशाओं में निकला जो है शुरुआती रेप्टाइस तीन दिशाओं में डेवलप हुए एक तो से मॉडर्न रेप्टाइस बने एक वर्ड्स बने और एक मेमल्स बने दिमाग में रखिएगा इस चीज को ठीक है देखिए, इवोल्यूशन की बात कहानी की बात करें हम तो देखो कैसे पक्षी बने अब एक बड़ा पुराना क्वेश्चन है लोग अक्सर पूछते हैं लोग अक्सर पूछते हैं और लोग अपने आप को होशियार समझते हैं पूछने के बाद कि अच्छा बताओ मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया लोग पूछते हैं अक्सर कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया आज इसका उत्तर मैं देता हूं आज इसका उत्तर मैं देता हूं अंडा पहले आया अंडा पहले आया फिर मुर्गी आई उसके बाद क्यों क्योंकि अंडे के अंदर म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन के चलते वो जीव जो बाहर निकला वो पहले वाले जीवों से डिफरेंट था और उससे संभवता मुर्गी का विकास हुआ समझ गए बात को यानी परिवर्तन हमेशा बेसिक लेवल पर होगा तब हमको एडवांस लेवल पर वो देखने मिलेगा यहां पर तो अभी क्या देखने अभी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी गौर से देखिएगा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि कैसे पक्षियों का विकास हुआ वर्ड्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ जो है वो किससे रेप्टाइल से तो वो कहते हैं कि दरअसल क्या है कि जो पक्षी हैं, वर्ड्स हैं उनको हगजले ने क्या कहा था हगजले ने उसके लिए कहा था हगजले ने कहा था दे आर दी ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स उन्होंने कहा था कि वर्ड्स आर दी ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हगजले ने कहा था कि पक्षी जो हैं वो एक प्रकार से महिमा मंडित जिनकी खूब तारीफ होती है बड़ा नाम होता है बड़े वीर होते हैं वैसे रेपटाइज है वो एक्चुअली वर्ड्स आर दी पक्षी जो है वो डायनासोर से के क्लोज रिलेटिव वो डायनासोर के क्लोज रिलेटिव आप देखिए कैसे गोड़ से देखिए अर्ली रेप्टाइज देखिए जमीन पे चल रहा है वो ठीक है अर्ली आर्केसोर देख रहे हैं डायनासोर का डेवलपमेंट शुरू हुआ फिर अर्ली डायनासोर आप देख रहे हैं देन उसके बाद आप रैप्टर लाइक डायनासोर जो आपके खतरनाक सबसे खतरनाक वो डायनासोर दिखाई पड़ रहे हैं आपको बड़े खतरनाक सबसे खतरनाक शिकारी जिनके ऊपर जुरासिक जुरासिक पार्क जैसी मूवी के पार्ट बने वर्ल्ड बना और कर जाने कितनी मूवीज बन चुकी हैं फॉसिल में लेते न्यूयॉर्क में फॉसिल जाके इसका देख सकते हैं ठीक, आप देखिए इसके बाद ये जो डायनासोर थे टीरक्स ये आपने देखा होगा कि ये बकायदा ऊंचे दो पैरों पर पे चल लिया करते थे फिर नीचे हो जाया करते खतरनाक थे इनके पिछले पैर बड़े साइज के थे। धीमे धीमे क्या हुआ कि इन अब उस समय उस समय ऐसा मानते हैं कि उस समय जो इंसेक्ट थे उन इंसेक्ट को ये जो थे ये शिकारी थे और उस समय इंसेक्ट भी बड़ी संख्या में थे बड़े साइज के इंसेक्ट थे तो ये उन्हें खाने की कोशिश करते थे

उस धर्म में लिखा है ये सब नहीं मानेंगे वैज्ञानिक प्रमाण दो कहानियां नहीं सुनेंगे हम के? हम थ्योरी कहानियां और पुराने नहीं मानेंगे हम बोलेंगे प्रमाण दीजिए और बताइए कि क्या हुआ ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में साइंस कभी भी जो है वो कपोल कल्पनाओं को कथाओं को नहीं मानता हो साइंस मानता है प्रमाणों को ठीक है चलिए तो अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे अनुकूलन थे एडॉप्टेशन थे जिन्होंने जमीन में रहने पर रहने में जो है को सक्षम बनाया और इन्हीं रेपटाइल से आगे चलकर वर्ड्स डेवलप हुए और इन्हीं से जो है आगे चल के मैमल्स का विकास हुआ पहला सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज दी शेल्ड दिन के अंडे जो है वो कवच वाले थे जो नीचे लिखा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेल्ड एग अंडे कवच वाले थे इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन था ठीक तो है तो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर किया इन्होंने ठीक है इनमें वेल डेवलप्ड लंग्स थे डबल लूप सर्कुलेटरी सिस्टम था वाटर कंजर्विंग एक्सक्रिक सिस्टम था और स्ट्रॉन्ग लिम्स थे ठीक है एम्फीवी में जो हार्ट होता है ना जो वो बेसिकली एम्फीवी का हार्ट होता है थ्री चैम्बर्ड लेकिन रेप्टाइल्स का हार्ट होता है थ्री एंड हाफ चैम्बर और, और क्रोकोडाइल का होता है फोर चैंबर वर्ड्स का होता है फोर चैम्बर्ड और मेम्बर्स का होता है फोर चैंबर्ड हार्ट ठीक है

इसमें था उत्परिवर्तन नए कैक्टर थे और उससे जब जब बाहर निकला तो ये जी एनिमल बाहर निकलत के और उसके बाद फिर इसके अंडे और चूंकि वो हेरिटेबल वेरिएशन था तो कंटिन्यू किया लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ठीक है देखिए प्रूविंग दी एक कम फर्स्ट सिंस 1859 1859 से ये बात को सिद्ध कर दिया गया है कि भैया अंडा पहले आया मुर्गी बाद में आई ठीक है ना आप कोई कहानी सुनाए तो टिका देना उसको भैया बोल देना कि दादा कान लगे हो उठके हम हाँ सब जानते हैं पढ़ा है हमने साइंस ठीक है तो कहने का मतलब वो कहते हैं कि देखिए आप है ना किस प्रकार से डायनासोर के अंडे के अंदर म्यूटेशन हुआ और उसके जो अपर लिम थे उनके स्केल्स पंखे में कन्वर्ट हो गए और बना और के जो अंडे थे उन अंडों में वो परिवर्तन और अधिक अपने आप को रिफाइंड करता गया और पक्षी बन गया देखिए फाइनली कौन पहले आया कौन पहले आया अंडा पहले आया अब आप करो बहस मुझसे नहीं नहीं सर मैं मानूंगा मेरे को नहीं मानना मेरे मैं नहीं मानता अरे तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है जो प्रमाण है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आवश्यकता नहीं होती ठीक है ठीके? कहते ना वो क्या क्या कहावत है यार हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या ठीक है मतलब जो सही है वो सही है उसको आप नहीं बदल सकते ठीक है अभी हाल ही में मेरे पास जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इवोल्यूशन से जुड़ा मतलब हम बिजनेस का भी किसी चीज़ का भी कोई भी कॉन्सेप्ट का भी एक इवोल्यूशन होता है तो अभी हाल ही में आप देखोगे तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत इवॉल्व किया एकदम से तेजी से क्योंकि कोरोना का सिचुएशन चल रहा है सब कुछ है तो ऑनलाइन जो एजुकेशन वेंचर्स हैं जो एजू वेंचर्स हैं जो जो एजून प्रेनरसिप के वो काफ़ी इवोल्व जो है वो आ, उन्होंने अपना अपना तरक्की किया है बहुत बड़े बड़े फंडिंग है मतलब मैं तो सुन के इतना बड़ा बड़ा फिगर होता है कि मैं तो सुन के आश्चर्य होता है कि अच्छा राउंड थर्ड सी सी राउंड का फंडिंग मिला कितना मिला 2600 करोड़ मिला किसी को 2000 करोड़ मिला फंडिंग मैं सोचता हूँ कि यार दो करोड़ की कमाएंगे कहाँ से इतना बड़ा फंडिंग अब फंडिंग का मतलब क्या होता पैसा लगा दिया आपकी कंपनी में अब तुमको कमा के वापस करना पड़ेगा कौन सा छाप के ला के डाल देता जो लोग फंडिंग लेते हैं तो उनको पता होना चाहिए फंडिंग जो है फंडिंग का मतलब है कि पैसा लगा दिया है आप उसको खर्च करके जो है मार्केट कैप्चर करना है और फिर एक दिन कमाना है एक दिन कमाना है एक दिन कमाना है ठीक है मतलब तो ऐसी किसी बड़ा एजुकेशन वेंचर है इंडिया में बड़ा आजकल बहुत हल्ला कर करके रखा हुआ है सब जगह पे हल्ला हल्ला होता रहता उसका मुझको संपर्क किए मुझे बताए बोले कि डॉक्टर जीतेंद्र आप और आपका बायोमेंट्रस जो है यू आर डूइंग वेरी गुड यू हैव गुड रिजल्ट्स गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका ऐप का ऐप का जो जो सब कुछ परफॉर्मेंस है ऐप का जो रेटिंग है ऐप का जो जो इंटरफेस है जो जितना बच्चा आपके पास है तो वो वो मतलब एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है क्योंकि हम लोग बाकायदा हमारा सब कुछ बैलेंस शीट सब कुछ रिटर्न विटर्न सब फाइलता था दे हैव एवरी डेल्थ के तो बोले कि हमको बायोमीट्रस एक्वायर करना है ख़रीदना है आप बताओ क्या करोगे तो मैंने कहा भैया अपने को तो ए बी सी डी नहीं मालूम इस बारे में कुछ ठीक है अपन तो सीधे आदमी है पढ़ाते हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं इसके अलावा हम ज्यादा गणित लगाते नहीं है बोले साहब दो सौ करोड़ बेच दो अपने आप को इसको बेच दो सबको बेच दो, दो सौ करोड़ देंगे अपन पहले पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में यह है कि भैया कितने बिंदी कितने बिंदी सात हमने साहब ऐसा है मेरे पास जिंदगी में दो सौ करोड़ खर्च करने का कोई प्लान ही नहीं है डोंट हैव एनी प्लान एंड एम्बिशन टू स्पेंड टू हंड्रेड करोड़ रुपीस के एंड टू सेल देंचर जो दिल के करीब है मेरा बच्चा मैंने उसको बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया कोई आके बोले अरे आपका बच्चा तो बड़ा सुंदर दिखता है एकदम 500 करोड़ अरे बाप क्या बात करते हो 500 करोड़ बच्चा लेके जाओगे अपने पैसे अपने पास रखो कुछ चीजें दिल के करीब होती हैं बायोमेंट्रस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट वो बोला खत्म हो जाओगे आप यदि नहीं बचोगे ना तो हम आपको खत्म कर देंगे हमने कोशिश कर लो हो जाएंगे हो जाएंगे यही बोलेंगे वीरगति को प्राप्त हुए नहीं चला पाए आपके सामने नहीं टिक पाए आपके सामने लेकिन बेटा ऐसा है इवॉल्यूशन तो हम भी कर सकते हैं क्या ऐसा है कि हम भी इवॉल्व कर सकते हैं एट ऑफ सेंटिमेंट एट ऑफ दिल के करीब जो चीजें हैं उनको बेच नहीं सकते इट्स फॉर सेल उसने कहा बोलता है उससे, सामने वाला एवरीथिंग थिंक अबाउट योर प्राइस टेक एंड वी विल रीथिंक अबाउट इट मैंने कहा दोस्त ये बच्चे जैसा है ये वो वैसा है ठीक है अब आप बोलोगे सर पागल हो बेच दो इसको फिर दूसरा शुरू कर लेना ठीक <laughs> है नहीं एक्चुअली बात 200 करोड़ की नहीं है बात है जमीर की अपने आप से क्या बोलेंगे यार ठीक है कभी सोचा था कि ऐसा होगा कोई आके आदमी 200 करोड़ रुपए मांगे एंड आई डिज आई आई थिंक अबाउट दैट जीवन में कई बार क्या होता है मंजिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं था इंपॉर्टेंट सफर होता है लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आपको लोग मिलेंगे लालच देंगे आपको बहुत सारी जगह पर डेविएट करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे पहले मनाएंगे लालच देंगे फिर मिटाएंगे अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या डिसाइड करते हैं? गॉड नोस बट आई हैव ए प्लान आई हैव ए प्लान एजुकेशन इज फॉर ऑल रिवॉल्यूशन होगा क्रांति होगी और उसी क्रांति को तुम नहीं खरीद पाओगे चाहे तुम कितना ही एंडिंग फंडिंग ले लो के। तुम फंडिंग लेके नेगेटिव इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो हम फंडिंग लिए बगैर पॉजिटिव इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं हम टैक्स भरते हैं सरकार को तुम सरकार का तुम उधार लेके तुम नेगेटिव रिटर्न भरते हो, तुम में और हम में बहुत फर्क है दोस्त, छोड़ते इस बात को लेकिन मैं बात था कि अंडा पहले आया मुर्गी बाद में आई तो याद रखो हमेशा सच के जिंदगी में सिंपल सी चीजें बेसिक सी चीजें कॉम्प्लेक्स होती है उल्टा कभी नहीं होता तो अब चलिए तो आ, मन, बात आया मन में निकल गया बात है आपको बता दिया मैंने चलो राज की बात, है, की बात है। पता तो आपको क्या चल रहा है आसपास में के? के? चलो तो बेटा इसे छोटा दिखाई पड़ा स्क्रीन पर आपको ये। तो इसको आप देख लीजिए उसको देख लीजिए इसमें अर्ली रेपाइस थ्री फिफ्टी मिलियन से गो ठीक है

और वो फिश में डेवलप वो, वो वो, वो हुआ कि कुछ जो थे वापस वाटर में चले गए और वो फिश में इवॉल्व किए और ऐसे रेप्टाइल बने जो मछली के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा हुआ 200 मिलियन ईयर से और उन, 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 उन डायनासोर्स को उन रेप्टाइल्स को हमने बोला इक्स कहा इनकॉमेट के लैंड रेप्टाइल जो थे वो डायना जमीन पर रहने वाले रेप्टाइल्स थे वो बड़े साइज के डायनासोर थे, थे उनमें से जो सबसे बड़ा था वो था टीरेक्स ट्राइनोसोरस रेक्स था तकरीबन 20 फीट हाइट का था और ह्यूज बड़े खतरनाक इसके जो है वो टीथ हुआ करते थे मतलब ये सबसे अब तक के अर्थ के पूरे की पूरी हिस्ट्री में जब से अब तक की बात करें सबसे खतरनाक कोई शिकारी हुआ है तो वो टीरेक्स हुआ है ठीक है ये हम बेटा जो आ, फिगर 7.9 जो जो हमारा जो है, फॉर्म को है, किस से, फॉर्म तो इसको एक बार से देख में प्रोवाइड कर दूंगा आपको इसको मैं ताकि आप इसको आपको याद रखने में आसानी पर इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार ठीक है ना ठीक है तो देखिए कुछ चीजें जो मैंने यहां पर नोट डाउन किया यहाँ पे मैंने आपसे कहा जो हम कहते हैं कि लेट प्रोटोरजाइक के सबसे शुरुआती दौर दौर की बात करें तो फर्स्ट स्केलेटल एलिमेंट्स बने सॉफ्ट बॉडी मल्टी सोलर एनिमल्स बने यहाँ पे फर्स्ट एनिमल ट्रसेस हमको देखने मिलते हैं पहली बार फर्स्ट फिशेज बनी क्रैम कैम में बनी फर्स्ट कॉरिड भी यहाँ पे दिखाई पड़े हम इट के फिर सिल्यूरियन में फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट बने यहां के ऑर्डोविशियन में देख रहे हैं हम सडन डाइवर्सिफिकेशन हुआ एनिमल फैमिलीज का डिवोनियन को हम बोलते हैं कि फर्स्ट एमपी हमको यहां पर डिवोनियन में जो है वो इवॉल्व होता दिखाई पड़ता जॉ फिश जो है वो बड़ी वैरायटी में जॉ फिश डिवोनियन इज द एज ऑफ दिश

फिर जुरासिक में जो है पहला पक्षी बनता है फर्स्ट फ्लॉवरिंग प्लांट बनता है क्रिस्टियस में पहले जो है वो क्रिस्टस में मैं, मैं हमको फर्स्ट फ्लॉवरिंग प्लांट दिखाई पड़ता है क्रिस्टियस में जो है पहले प्राइमेट बनते हैं डायनासोर का एक्सटिंक्शन होता है यहाँ पर के और जो है पहली सीन में जो है क्या होता है उस समय में, में, में अपने आपको डाइवर्सिफाई करते हैं न्यू जिन में क्या होता है ह्यूमस का इवोल्यूशन होता है ये एक दूसरा टाइम स्केल है जिसको हमने यहाँ पर दिया हुआ तो मैं एनसीआर से मैच करता हुआ टाइम स्केल आपको बता प्रोवाइड कर दूंगा चिंता मत कीजिए उसकी ठीक है ना ये देख रहे हैं यहां पे सबसे खतरनाक डाइनो रेप्टाइस टी रेक्स ट्राइनोसोरस रैक्स को देख रहे हैं यहां पे हम ठीक है ना ये है इक्थियोसोर्स इत, पानी के अंदर जो गए ना वो है इक्थियोसोर्स हमको ये दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है बेटा इक्थियोसोर्स को हम यहां पर देख रहे हैं ठीक है देन आर्क्योटेरेक्स देख रहे हैं आप ये जिनसे पक्षियों का विकास हुआ है जो रेप्टाइल्स और वर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो द डायनासोर सडनली फ्रॉम द अर्थ तकरीबन पैसठ मिलियन वर्ष पहले सडनली डायनासोर अर्थ से गायब हो गया अभी तक हमें एग्जैक्ट रीजन मालूम नहीं चला है यहां पर ठीक है कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक रीजन से मर गए खत्म हो गए कि, कि जो चेंजिंग क्लाइमेट जो जो भी घटा है ये शायद सच ये कुछ तो कुछ वर्ड्स में कन्वर्ट हो गए कुछ मर गए तो अभी सच क्या है वो हम नहीं ज्यादा नहीं जानते इसके बारे में लेकिन छोटे साइज के रेप्टाइल्स अभी भी जो है वो प्रेजेंट हैं देखिए एक थ्योरी कहती है कि ऐसा हुआ कि हमारी अर्थ पर जो है बड़े बड़े मैट्रॉइड गिरे कि बड़े बड़े जो है मैट्रॉइड हमारी धरती पर गिरे क्षुद्र ग्रह हमारी धरती पर गिरे जिसके चलते पे जो है वो उनके टकराने से हीट जनरेट हुआ और उनसे बड़ा भारी विनाश हुआ और इस विनाश में जो है वो डायनासोर मर गए ठीक है कुछ कहते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट बड़े पैमाने पर हुए और ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या हुआ कि जो जो आ, ऐसा हुआ कि सनलाइट जो है इतना अधिक धुआं हुआ कि सनलाइट जमीन पर नहीं आ पाई तो उससे जो है वो डायनासोर जो है वो जो डायनासोर थे वो जो आ, जो, जो शाकाहारी डायनासोर थे वो मरना शुरू हुए क्योंकि प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहे थे उस समय और जो, 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 जो लैंड पर जमीन पर बड़ा परिवर्तन आया और उसके बाद फिर मांसाहारी डायनासोर ही मरगट के अब इसकी भी बहुत ज्यादा प्रमाण मिलते नहीं है कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ

सुछुंदर के समान या चूहे के समान थे माउस लाइक थे ये ठीक है इनके फॉसिल बहुत छोटे साइज के हमको मिलते हैं मैमल्स जो है वीवी प्लस थे सीधे बच्चों को जन्म दिया करते थे वो उनके प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी के इनमें बकायदा गर्भाशय होता था तो इनको बाहर अंडे देकर बच्चों की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं थी ये अपने बॉडी के अंदर ही बच्चों को जन्म दिया करते थे बॉडी के अंदर ही बच्चों को बड़ा करने के बाद फिर उसको बाहर रिलीज करते थे उठ के तो ये अंडे देना उन्होंने बंद कर दिया मैमल्स जो है वीवी प्लस हो गए उठ के Were more in and at least के. के ब्रेन अधिक इवॉल्व हुआ तो ये अपने आसपास के खतरे को महसूस कर लिया करते थे और आसपास का खतरा महसूस करने से ये अपने आप को अधिक बचा पाए उठ के और ये इनको लगता था कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो रहा है इन्वायरमेंट से तो ये वहां से माइग्रेट करके कहीं और पहुंचाया करते थे होने लगे, ने पर और पर सब देखने मिलता है ठीक है देखिए ये छोटा सा एक कार्टून बतलाता है कि किस प्रकार से रेपटाइल से वर्ड बने होंगे देखिए रेप्टाइल एक इंसेट के पीछे पड़ रहा है फिर होते चले होते चले और जो है वो बन तो कहने का मतलब यह की जो जिस मुर्गी को आप देखते हो ना गौर से उसको कभी गौर से देखना मुर्गी को पक्षी को बेसिकली वो डायनासोर के बंसाज वो सब देखिए उसके देखिए आप तो जो लोग मुर्गी खाते हैं डायनासोर खाते हैं एक तरीके से ठीक है छोटा डायनासोर जो इवॉल्व होकर आ गया है है ना ठीक है चिकन जो ये रैप उससे इवॉल्व हुआ है देखिए ना आपने है ना इंटरेस्टिंग फिर इवोल्यूशन ऑफ मस की बात करते हैं बिगिन इवॉल्विंग थ्री ट्वेंटी मिलियन ईयर को एज ऑफ मेमल्स जो है तकरीबन सेवेंटी मिलियन ईयर को शुरू हुट के ये रैप्टाइज के खत्म होने के बाद ये फ्लोरिश होने लगे तेजी तेज हटके तो जो शुरुआती हम कहते हैं कि जो है वो शुरुआती जो मेमल्स थे वो बहुत छोटे साइज़ के थे धीरे धीरे उन्होंने उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी धरती पर होने लगा अटके ठीक है जो आज भी हमको प्रीमिटिव मेमल्स जो मिलते हैं वो हमको ओबी प्लस दिखाई पड़ते हैं हम कहते हैं ना कि जो प्रोटोथिरियन होते हैं वो ओबी प्लस मेमर्स होते हैं ठीक है इन साउथ अमेरिका रिजेंबलिंग हॉर्स हिपोपोटेमस बियर एंड रेबिट इट हमको दक्षिणी अमेरिका में जो फॉसिल्स मिलते हैं उनमें हमको घोड़े के हिपोपोटेमस के जे, भालू के रेबिट के हमको जो है वो बाकायदा जो है वो हमको उनके फॉसिल्स दिखाई दिखाई पड़ते हैं ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट को दिया था वैग्नर ने वेग्नर ने वेगनर ने, वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया था बताया था उन्होंने कि शुरुआत में पेंजिया था एक पूरा जुड़ा हुआ एक पूरा का पूरा अर्थ जुड़ा हुआ था अर्थ में जो लैंड है वाला हिस्सा जुड़ा हुआ था फिर दो हिस्सों में वो बट गया वो गोंडवाना लैंड की की बात करें हम वो दोस्तों में बट गया और फाइनली ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अलग हो गया ठीक है ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट महाद्वीपों के विस्थापन से साउथ अमेरिका ज्वाइंट द नॉर्थ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया और दीज एनिमल्स वे आर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फॉर्न के और इन एनिमल्स को नॉर्थ अमेरिका के, के जो प्लांट्स थे उनको भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला ठीक है ड्यू टू सम सेम कॉन्टेंट इस, इसी महाद्वीपीय विस्थापन से क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया के मेमल्स थे वो अलग रह गए वो ठीक है और उनको बाकी जीवों से कॉम्पिटिशन नहीं मिला नए मेमल्स में, में, में वो इवॉल्व नहीं हो पाए इसलिए ऑस्ट्रेलिया में आज भी आपको प्रोटोथिरिया और यूथ मोटाथिरिया आपको कंगारूज देखने ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं आपको आपको जो 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 आ, हम कहते हैं कि जो, जो प्रोटोथिलन एनिमल है वो भी आपको जो है कहां देखने मिलते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट में वो अलग हो गया था वहां पर जेब विकास रुक गया अरेस्ट हो गया बाकी जगह पर चलता रहा वो ठीक है लेट वी फॉरगेट लेट्स लेट्स वी फॉरगेट सम मेमल्स लिव होली इन वाटर के कुछ मेमल ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से जो है वो वाटर के अंदर पानी के अंदर वो भी डेवलप हुए वो कहा डेवलप हुए वेल well बन गए वेल डॉल्फिन बन गए सील्स बन गए सीकाउ बन गए ये वो मेमल्स हैं जो पानी के अंदर इवॉल्व किए इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एलिफेंट डॉग और स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन के मतलब ये तो थोड़ा सा ब्रीफ में हमको जो है बेटा हमें परफॉर्मेंस

मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विथ लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियस के सबसे सफलतम इवोल्यूशन जो हुआ वो इंसान का डेवलप विकास हुआ आज ह्यूमन जो है, वो है अपने बारे में सोच लेता है वो अपने आप को लेकर चेतन है वो और उसके पास लैंग्वेज स्किल है मैं अपनी बात आपसे कह पा रहा हूं अपना पूरा नॉलेज आपको दे पा रहा हूँ आप नॉलेज को समझ पा रहे हैं के ये सबसे बड़ा देन था कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज वेरी इफेक्टिवली वो ह्यूमन बींग्स के पास उसकी क्षमता है इसलिए हम सबसे अधिक इवॉल्व कहे जाते हैं ठीक है ना देखिए आप यदि हम हॉर्स के इवोल्यूशन की बात करें तो आप देखो यो हिप्पस 50 मिलियन ईयर से वो छोटा सा जो है वो बिल्कुल भेड़ के साइज का हॉर्स था फिर मिजो हिप्पस देन मैरी हिप्पस देन दी जो है वो प्लियो हिप्पस और मॉडर्न हॉर्स क्या है वो इक्वस होता है तो जो जो, है डायरेक्शन है वो ऐसा दिमाग में रखना आपको ऐसा ऐसा ये और ये ठीक है ना बेटा ठीक है ये हॉर्स में जो है इसके नाम तो तो कई बार क्या होता है बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि इसको सही सीक्वेंस में रखने को बोलते हैं आप उठ के पहले जिपमर में और एम्स में काफी पूछा था इस तरह क्वेश्चन लेकिन अभी नीट में केवल लिखा है बेटा इसलिए एक बार सेफर साइड हम उसको देख ले तो बेहतर तो ये ना नाम नोट के थर्टी फाइव मिलियन ईयर मैरी हिपस टेन मिलियन ईयर प्लियो हिपस फाइव मिलियन ईयर उसके बाद इक्वस प्रेजेंट हॉर्स ठीक है ये हॉर्स का हो गया

अब तक की इवोल्यूशन की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी में से एक होगी तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में के. तो अगली क्लास सबसे इंटरेस्टिंग क्लास में से एक होगी जहां पर हम बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की कि आदमी ने क्या सीखा क्या देखा क्या उसका अनुभव रहा और कैसे अपने आप को इवॉल्व किया कैसे वो एक डरपोक जानवर से किंग बन गया क्या सारे जानवर दुनिया के खत्म हो रहे हैं या तो या डर के जू के अंदर बंद कैसे इंसान इतना पावरफुल बना क्या किया उसने क्या सोचा उसने क्या ऐसा था कैसे धर्म की शुरुआत हुई कैसे मुर्दों को गड़ाने की शुरुआत हुई लोगों को कैसे जो है वो उसने फूड को खोजा बड़ी मजेदार कहानी है नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे इसको ठीक है ना चलिए तो पढ़ते रहिए मेहनत करते बेटा ऑल द बेस्टो के मैन बाय join us at www.biomentors.online here you can solve daily practice papers an online test you can download performance enhancement sheets you can track your progress you can interact with other fellow commandos join us and prepare yourself it's a commando training for your success download biomentors online app from Google Play Store.